इटावा के सब्जी मंडी में देख सकते हैं आप, आग लग गई है। बहुत सारी दुकानें हैं सब्जियों को आप देख सकते हैं, लगातार सारी दुकानें जो करीब कई दर्जनों दुकानें हैं एक साथ आग लगी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी तक जो स्थिति समझ में आ रही है, ये जो तार हैं शॉर्ट सर्किट से आग बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का काम चल रहा है। और जिस तरह से ये आग लगी है, चूंकि मंडी में कई बार आग लग चुकी है, मैं कुछ दुकानदारों से पूछता हूँ, आपकी भी दुकान थी? मेरी भी दुकान थी, वो देखो सामने जल रही पूरी दुकान। अच्छा जी, किस चीज के व्यापार था यहाँ आपका? यहाँ आलू और हम लोगों का लहसुन का अच्छा व्यापार है, बहुत बड़ा नुकसान है, काफी लोगों के पैसे। कितने का नुकसान आप मान सकते? लमसम हमारी समझ में तो अभी आलू का काम ही चल रहा है सबका। कितनी दुकानें होंगी? कम से कम यहाँ दुकानों पे, यहाँ की दुकानों में कम से कम हमारी समझ में 60 दुकानों में आग लग चुकी है। 60 का करीब माल होना चाहिए हमारे, 1 करोड़ रुपए, करोड़ों रुपए से ज्यादा का नुकसान है। यहाँ आलू की महंगाई है, लहसुन की महंगाई है, सबके खाते पैसे सबके रखे हुए, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो आप ये देख सकते हैं, ये व्यापारी हैं जिनका कहना है कि कम से कम 5 दर्जन से ज्यादा दुकानें हैं जिनमें आग लगी है। और आप ये लपटें देख सकते हैं, आग की लपटें ये साफ साफ बयां करती है। जिस तरह ये देखिए तार दिखाई पड़ रहा है, तो शॉर्ट सर्किट अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। चूंकि फल मंडी और ये सब्जी मंडी के लोग हैं, आलू है उन लोगों के, आलू रखा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि उनका कैश भी वहां था और जो आग लगी है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट अभी देखने को मिल रहा है जिससे ये आग लगी है। पीछे आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये जिस तरह से लपटें उपट रही हैं, ये आग फल मंडी के में लगी हुई है, इसके पीछे सब्जी मंडी है। बहुत सारी करीबन 5 दर्जन दुकानें बताई जा रही हैं जिनसे जिनमें ये शॉर्ट सर्किट, जो चूंकि जिस तरह से तार हैं, तारों का अभी तक जो जानकारी मिल रही है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। मेरे साथ एक व्यापारी है, मैं इनसे भी जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। आसिम जी, ये दुकान जो जल रही है आपकी दुकान जी, किस चीज की दुकान थी? ये फल की दुकान थी। अच्छा, फल की। पीछे भी जो दुकानें हैं वो किसकी थी? वो सब्जी की थी। कितनी दुकानें होंगी करीब? लगभग ऐसी पीछे 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें थी इसके। अच्छा। और फल भी थे। कितने का नुकसान आपका अपना हुआ है? हमारी लगभग इसमें 3 लाख रुपए बारदाना भरा हुआ था आपका। हाँ, और लोगों के ठेले भी खड़े थे 8 इसमें। अच्छा। कैसे आग लगी, क्या कारण आपको समझ? हमें तो मालूम नहीं, हम तो अभी पता लगी तब घर से। कितने बजे आग लगी? आग लगी है 5 बजे इसमें, और 5 ब्रिगेडर आई है 6 बजे। और कोई प्रत्यक्षदर्शी जिसने देखा हो आग लग गया? हम तो अभी घर से, आप किसको बता सकते हैं? अब देखने के लिए इसमें कुछ बचा ही नहीं है सर। अगर पता हो तो मंडी में कम से कम 10 बार जब लगी, आप लोगों को कैसे पता चला? भाई आग जब लगी है तो कोई नहीं जानता कि कैसे लगी है, लेकिन कुल मिला के जो गरीब भाई है मेरे, इनके नुकसान हुआ है मंडी में। आपकी भी दुकान है? नहीं, हमारे भाई की दुकान है। ये आपने देखा, ये व्यापारी हैं जिनका कहना है कि उनकी यहाँ पर लाखों के की फल और जो कैश है वो था, जो जल गया है, और जो बारदाना है वो इनका जला है और लोग परेशान हैं। और वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग बुझाने में लगी हुई है कि जिससे जल्दी से जल्दी जिस दुकानों में आग लगी है वो आग उसकी बुझाई जा सके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।